करनाल की मंडी मैदान की खरीद न होने से किसानों में भारी रोष है। गुरुवार को किसान यूनियन ने मिसी मार्केट कमेटी के कार्यालयों के बाद किसानों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। आर्थिक यदि किसानों की दान खरीदते हैं तो किसान उनका सम्मान करेंगे, नहीं तो जिसकी जिम्मेदार सरकार उसमें आर्थिक भी है। उनकी मांग है कि दान खरीद जल्द से जल्द शुरू नहीं की गई तो किसान आंदोलन करने पर मजबूर रहेंगे और स्वयं के आवास पर सरकार घेराव किया जाएगा। खेतों में लगातार बारिश हो रही है, वही बारिश के कारण किसानों की चिंता भी बढ़ गई क्योंकि मंडियों में अर्थों की हड़ताल चल रही है, धान खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों की कुछ धान मंडियों में पड़ी हुई है तो कुछ खेतों में पड़ी बारिश में खराब हो रही है, जिससे किसान बहुत परेशान है। से सुन ले, अगर किसी भी किसान को परेशान किया, हमारा डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। किसी बलेखे में सरकार मत रहे कि मनमानी चलेगी। हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से इनकी किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। उसके लिए पर्चे दर्ज करवाने पड़ेंगे तो पर्चे दर्ज करवाएंगे। लाठी चार्ज इन्होंने करना तो वो इन्होंने करके 100 बार देख लिया। आगे होके किसान यूनियन लड़ेगी, पीछे सभी किसान हो गए। ये सरकार किसी बलेखे में न रहे। किसान यूनियन का कोई चक्कर नहीं, आपके मोटे के तौर पे चल रहे हैं। आढ़तियों ने कर की हड़ताल, जब सारा साल खाली थे, 1.5 साल हो गया, इनकी फीस कम की थी। ये चाहते ये हैं जो आढ़ती हैं, इनका मतलब ये है कि इनके कंधे पर धर के चलाओ किसानों के। ये सड़कों पर ये बैठे हैं, लोगों की गालियां ये सुने, लोगों से लोगों की नजरों में गुंडे ये बने और मजे ये ले। ऐसे इनके मजे नहीं चलने देंगे। आगे इनको भी लेकर जाएंगे। अब अगर कोई प्रोटेस्ट करना है तो हमारे साथ चले। अगर इनकी कोई मांगे है तो प्रोटेस्ट करें। धान की फसल है, गेहूं की फसल है, मंडी में आती है, तभी ये प्रदर्शन करना शुरू। हमारे लिए जितनी चोर सरकार है उतने ही चोर ये आढ़तीय बने हुए हैं। अगर तो हमारी फसल खरीदते हैं हम इनका सम्मान करते हैं, नहीं तो हमारे लिए ना उतने ही चोर आढ़तियां हैं और उतनी चोर सरकार है। जो ये सरकार है ये गलत नीतियां इनको सीजन में क्यों लेकर आती है? कभी कोई गेट पास ठोक दिया, कभी कोई गेट पास ठोक दिया। मैंने ये भी अंदर बोल दिया है, अगर आपने प्राइवेट खरीदनी है खरीदो, मैं निकलवाता हूँ यहाँ से ट्रालियां, देखते हैं कौन ये नीलामी का गेट पास काटेगा। और जो ये भाई साहब ने बात रखी है, हमारे अभी ये संज्ञान में आई है, ट्रालियां अगर भर के लेके जानी पड़ेगी ना, मैं ट्राली आगे लगाऊंगा। देखो जहां भी लेके जाएंगे, देखो ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये इतना नकाम और इतना घटिया मुख्यमंत्री है कि हरियाणा प्रदेश से फसल पंजाब में बिक्री है जाके, हरियाणा प्रदेश की फसल नरेला मंडी में बिक्री है जाके। जिस दिल्ली को बोला जाता है कि ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां किसानों की फसल बिक्री है, जहां हरियाणा धान का एक गढ़ है, यहाँ फसल नहीं बिक्री। ये इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या होगी मुख्यमंत्री के लिए? और चार दिन से क्या कार्रवाई करी ये प्रशासन और मुख्यमंत्री बताए हमारे। डिसीजन ये लिया है यहाँ तो हमारी खरीद चालू करें, अगर खरीद चालू नहीं करेंगे उसके बाद जो यहाँ से ट्राली हमारी पड़ी है जीरी, वो तो बेचेंगे, जहां हमारा दिल करेगा वहां बेचेंगे जाके। और एक भी दाना यहाँ धान का नहीं आन देते। और जो पैसे मांगने आड़ती आएगा वो हमारे पास बेचना, किसी किसान के पास नहीं जाएगा। दूसरा डिसीजन ये है मुख्यमंत्री के घर का होगा ग्राव, और उसको बोला जाएगा जो ये नहीं हमारी फसल खरीद सकते इनके लाइसेंस कैंसिल करो, नए आड़तियों को दो।